नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे वेब न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया .net में। आज हमारी खास पेशकश एक साल दिल्ली सरकार। आज हम फिर बात करेंगे उन आम लोगों से और जानेंगे दिल्ली वालों की राय, आखिर दिल्ली सरकार के कामों से कितना संतुष्ट है दिल्ली की जनता। पिछले एपिसोड में आपने दिल्ली वालों को सुना था पालिका बाजार, कनॉट प्लेस जैसी जगहों से। इस बार हम पहुंचे हैं पहाड़गंज इलाके में और मेट्रो स्टेशन रामकृष्ण आश्रम मार्ग, पटेल नगर और साथ ही राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाहर, जहां हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए लोगों को सुना। आइए सुनते हैं दिल्ली वालों की आवाज। आप एक साल में दिल्ली सरकार ने जो काम किया, आप उससे कितना उससे मैं तो जी 0% में संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं दिल्ली से आज मेरे को 10 साल हो गया। मैंने ड्यू में भी पढ़ाई किया और उससे देखा जाए तो जो बार बार ये बोल रहे हैं कि मोदी जी हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, ये सब बहानाबाजी है। आज कहां गई वाड्रा की 40 पेज की फाइल, आज कहां गई जो है शीला दीक्षित की फाइल, कहां गई अंबानी की फाइल, कहां गई 84 दंगों की फाइल, आज तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी दिचाऊ डिपो नजफगढ़ के अंदर आता है, यही संजय सिंह जी गए थे, बोल रहे थे कि 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है। आज इन्हीं की सरकार है जो कि आज भी 2 घंटा वेट करना पड़ता है, और वहां की जनता को इन्होंने धोखा दे करके बोला हमें वोट दो, हम आपका सारा काम करेंगे। अरे काम तो करो तब तो भैया, तुम्हें तो 5 साल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बैठाई है, मोदी जी हैं, मोदी जी को बार बार बदनाम करते जाओ, ये कोई तरीका थोड़ा होता है। कोई भी काम हुआ मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। अरे ऐसे काम नहीं होता, या तो तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ के भाग जाओ। पहले भी भाग चुके हैं और कहते हैं कि हमें काम करने, इधर कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत ये हैं, उधर जाके लालू जी से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। ये कोई तरीका नहीं होता आपका पॉलिटिक्स करने का। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ केजरीवाल जी को कि अगर हमें, जिस माध्यम से मैं बोल रहा हूँ टीवी से, अगर हमें मिले तो हमें केजरीवाल जी को आमने सामने करा दीजिए, अगर हमारे 10 बात का अगर वो जवाब दे रहे तो मैं दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने पुनः बिहार चला जाऊंगा। और ये देखिए, कोई नहीं उनको मिलने मिला तो पीएम को बार बार निशाना साधो, हमें बजट नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। आज दिल्ली का हालत देख लीजिए कि 20 साल पीछे दिल्ली गई। आप कह रहे हो कि मैं अपने दिल्ली को बेस मजबूत करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली को ही बनाऊंगा, ठीक है। अरे तुम्हारे से तो दिल्ली सज और समर रही है नहीं, और तुम जा रहे हो पंजाब, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, मैं सब जगह चुनाव लड़ूंगा। अरे तुम अपने पहले घर की मजबूती करो तो तुम्हें दिल्ली का ही जनता तुम्हें वहां ले आके बैठा देगी, तुम्हें पीएम के भी कुर्सी पर बैठाएगी जब तुम काम करोगे तब। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम भी ऐसे बात को पूरा मांग रहा था, इसे बात जो बोला था सच बोला, अच्छा काम नहीं किया। देखो दिल्ली पूरा गंदगी, एक जगह भी अच्छा नहीं है। हम लोग तो बाहर का है लेकिन दिल्ली आएगा, दिल्ली पूरा गंदगी है। आपको किस तरह से असंतुष्टि? सुन जी मैम, कोई काम नहीं हो रहा, मतलब एक एक सुबह उठे उठते ही पीएम 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 एक चिल्ला, ना काम करने वाली बात है। मतलब ये तो अगर आपको बोला जाए कि दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कामों को 10 में से आप कितने अंक देंगे? मैम मैं तो 1-2 भी नहीं दूंगा, मैं मेरी तरफ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ना ही वो काम कर रहे, वो सिर्फ ड्रामे करने में है। उन्होंने आज तक कोई काम किया हो तो बता दो। ना पानी है, ना वहाँ लेट है, और गंदगी इतनी है कि बच्चे बीमार हो जाते, हमारा आदमी बीमार पड़ा, हमारा जीजा बीमार है, 4 महीने हो गए, कोई सुविधा नहीं है अस्पताल में भी, कुछ नहीं सुविधा नहीं। हम तो बाजार से खरीदते हैं, अब भी उन्होंने 10,000 की दवाई है, एक बोले ये नहीं पता कौन सी दवाई है। उन्होंने ये कहा कि हम मंगवा भी लेते हैं तो फिर भी पक्का नहीं है तुम्हारा मरीज बचेगा या नहीं बचेगा, खुश नहीं हम। तो आप केजरीवाल की सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगी? 1 भी ना दूं मैं तो। कोई दवाई फ्री नहीं मिल रही, अभी प्राइवेट से खरीदी हमने, कोई दवाई फ्री नहीं मिलती सर। यहाँ पे आ रहे मिल के भी हमारे यहाँ गंदा पानी आता सवेरे के टाइम में, इंदरपुरी जैसे कॉलोनी से पानी आ रहा, फिर नए स्कूल कॉलेज कोई कुछ नहीं खुला, वो पेपर आने ही है। अब केजरीवाल सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 0 देना चाहूंगा। क्या तो दवाई नहीं है बाहर से? लोग कुछ भी फ्री नहीं है सर, कुछ भी फ्री नहीं है, सारी बाहर से। देखिए माम हल्की सल्की 10 रुपए दवाई बाहर की है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट जिसमें दिल्ली के अलग अलग जगहों से हमने लोगों से दिल्ली सरकार के वादे और कामों के बारे में पूछा, जिसका जवाब दिल्ली वालों ने दिया। फैसला अब आपका। हमारा मकसद है आम आदमी की आवाज दिल्ली सरकार तक पहुंचाना। ये थी हमारी खास रिपोर्ट एक साल दिल्ली सरकार। फिर मिलेंगे दिल्ली के अलग अलग इलाकों से और जानेंगे आम आदमी की राय। नमस्कार।